नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे चैनल पर आए। अनुरोध है आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज मैं ऐसा नाम लेकर आई हूं जो हर चीज की खूबसूरती को बढ़ाता है। तिल चेहरे पर हो तो चेहरा खिल जाए, खाने में हो तो खाने की रौनक बढ़ जाए। तिल यानी सीसम सीड, वो अगर पनीर के साथ मिल जाए तो बनाने वाला तारीफों से लग जाए। ऐसी ही एक कोशिश मैं करने जा रही हूँ एक नई डिश लेकर, नाम है तिल पनीर पकौड़ा। आइए रेसिपी समझते हैं। तिल पनीर पकौड़ा बनाने के लिए 200 ग्राम पनीर, 4 बड़े चम्मच मैदा, 2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 2 बड़े चम्मच सूजी यानी सेमोलिना, 2 बड़े चम्मच तिल यानी सीसम सीड्स, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक स्वाद अनुसार। तो आइए सबसे पहले हम पनीर को काट लेते हैं। आप अपने हिसाब से चौकोर चाहें तो चौकोर, जैसे पीस खाना पसंद करें वैसे काट सकते हैं। पनीर पीसेस कट गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब पनीर पीसेस को डिप करने के लिए जो हमको डिप बनाना वो बना लेते हैं। ये हमने एक डिश ली है, उसमें ये मैदा डालेंगे, 4 बड़े चम्मच हमने लिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, 4 मसाला पाउडर और ये नमक जो आप अपने स्वाद से डालिए। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स हो गए। अब इसमें हम पानी मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे इसमें लम्स न पड़े। डिप बनकर हमारा तैयार है, ये देखिए। अब हम इसकी कोटिंग बना लेते हैं। ये ब्रेड क्रम्स, ये सीसम सीड्स और ये सेमोलिना यानी सूजी, इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इस डिप में पनीर डालेंगे इस तरीके से और इसको इसमें ऐसे कोट करेंगे। ये तेल हमारा गर्म हो गया,
एक तरफ से ये पनीर पकौड़ा फ्राई हो गया, इसको हम दूसरी तरफ पलट देते हैं जिससे ये दूसरी तरफ भी अच्छी तरीके से पक जाए। ये पकौड़े हमारे तल कर तैयार हैं, अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। क्या कहा, शाम को मेहमान आ रहे हैं? अजी इसके हमारे व्यूवर्स को क्या चिंता, वो तो तैयार हैं शानदार तिल पनीर पकौड़ा के साथ। जी हाँ, तो इसे आप भी बनाइए, मेहमानों को खिलाइए और तारीफें बटोरिए, और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए रेणु शुक्ला का नमस्कार।